क्या कुछ कहना चाहोगे? 9 मूवीज आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, किस तरह से देखते हो टाइम? टाइम की कुछ बात ही अलग है। और ये मेरे सही में प्रवीण भाई है, सबके भाई। और मैं यही इनको विश करता हूँ कि इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, उस वक्त जब हम सब असिस्टेंट थे, और ये जो बहुत बड़ा बोलते ना क्या 5 डेज टेस्ट जो होता है, वो एक क्रिकेटर को, खिलाड़ी को हम मानते हैं, ये 5 डेज का खिलाड़ी है। और आई विश टाइम ऑडियो वीडियो द बेस्ट टाइम एवर, मेरा भाई है। सर, कैन वी सी यू इन वर्किंग विद सर? अरे अगर हमारी फैमिली है, वही है क्या हमारा रिश्ता ऐसा है कि काम करे ना करे हमेशा प्यार रहेगा। इनकी फैमिली में 3 भाई है, 14 भाई मैं हूँ, इनका परिवार में हूँ। जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, ओके सर। टाइम फिल्म्स बहुत सारी अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में, इवेंट के बारे में? बहुत खुशी की बात है कि प्रवीण भाई बड़े अच्छे दोस्त थे, हम लोगों ने साथ में बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छी दोस्ती, हम लोग हमेशा मिलते रहे। उस वक्त वो बीच में नहीं थे तो भी हम लोग मिलते थे, और जब पता चला कि टाइम फिर से अपना टाइम आएगा, टाइम आ गया, टाइम का टाइम आ गया है, तो बहुत बड़े पैमाने पे फिर से इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, और इससे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा, और हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएँ। ओके सर, OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह लॉकडाउन के बाद जो जिस टाइप का क्रेज मिला है, क्या कुछ देख सकते? बहुत अच्छा है ना सर, आना चाहिए, ये ट्रेंड बदला है, ये बदलाव आना चाहिए, अलग अलग चीज़ें हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, नई तरीके से नई बातें हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये चीज़ें। और इसको मतलब ऐसे लोग आने से और एनकरेजमेंट थी, एनकरेजमेंट मिलती है। अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहोगे? हाँ जी, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ, अभी कर रहा हूँ मैं फरद भाई के साथ कर रहा हूँ, OTT पे फरद राम जी, उनके साथ कर रहा हूँ, और भी कर रहा हूँ, और फिर रोहित शेट्टी की फिल्में आ रही हैं, सर्कस, राजकुमार संतोषी की फिल्म आ रही है, रेडी है अभी रिलीज पे। सर, टाइम रिकॉर्ड के साथ आपके कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं? बिल्कुल आएगा, अपने घर के बाद एकदम फैमिली है, अभी आए हैं शुरू हों तो। ओके जी, थैंक यू सो मच। टाइम्स ग्रुप मेरी बिल्कुल परिवार की तरह है, क्योंकि हमारे 20 साल हो गया लगभग टाइम ग्रुप से जुड़े हुए, और बहुत खुश हूँ कि टाइम ग्रुप जो है एक दोबारा फिर मतलब जो है एक ह्यूज उसके साथ में हम लोग सब अप्लॉज कर रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और स्टूडियो। मैं टाइम ग्रुप के ईच एंड एवरी मेम्बर को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और इसकी खूब सफलता के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये टाइम ग्रुप मतलब हमारा अपना ग्रुप जो है बहुत अच्छे लेवल फिल्म इंडस्ट्री में
जो क्रिएटिव वर्क करने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या आपका कोई प्रोजेक्ट टाइम टू क्या है साथ हम देख पाएंगे आने वाले समय? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अर्ध आ रही है और भूल भुलैया 2 आ रही है अगले 1-2 महीने में, सब ये 2 फिल्में देखने को मिलेंगी। भूल भुलैया 1 में काफी अच्छा आपने रोल किया, क्या उस तरह का किरदार फिर से देख पाएंगे भूल भुलैया 2 में? अब वो आप लोग डिसाइड करोगे देख के, लेकिन अच्छी बनाई है, ये भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। फिलहाल तो टाइम ग्रुप जिंदाबाद। अरे उल्टा सुल्टा सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं दूंगा। नहीं नहीं ओके सर, टाइम फिल्म नई 9 पिक्चरें आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म आ रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर आज की इवेंट के बारे में? मेरे कहने के ना कहने से क्या मतलब है, एक अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सबके लिए अच्छा है। और एवेन्यूज़ हो गए, पहले सिर्फ फिल्में थी, फिर TV आया, फिर OTT भी आ गया, अभी और मोर द मेरी। और OTT की बात करूँ, जिस तरह से रेवोल्यूशन आया OTT प्लेटफॉर्म में, बॉलीवुड में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिला, OTT के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे सर? OTT आ रही है, टाइम्स ग्रुप भी OTT के साथ जुड़ रही है, ये चीज़ें वक्त के साथ होती रहती हैं। पहले लोग पैदल जाते थे, फिर आस्ते आस्ते गाड़ी आई तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसके बाद अभी लोग प्लेन आया, फिर उसके बाद हर चीज़ें एवोल्यूशन होती रहे, आगे बढ़ता जाता है इंसान, तो आगे चल के और बहुत कुछ आएगा जो हम सोचा भी नहीं कभी, है कि नहीं? सर क्या हम आने वाले समय में आपको OTT प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैंने जो करना था वो कर लिया, बहुत कुछ, तो आई एम हैप्पी, तो आई एम कंटेंट। मेरी बेटी कर रही है, करने दो। आपकी बेटी का लॉकअप शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी आई है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर शो के बारे में? मैं उसके काम के बारे में कुछ इंटरफेयर नहीं करता हूँ, सब कुछ उसका किया हुआ है, बाकी आई एम हैप्पी, उसका शो चलता है तो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से एवोल्यूशन दिख रहा है, मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, OTT में ही है लॉकअप, आप किस तरह से देख पा रहे हो उसको? मुझे समझ में नहीं आता, मैं देखता नहीं हूँ इन चीज़ों को ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। टाइम्स के साथ मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं छोटी थी। अली भाई आ जाओ, अली भाई प्लीज। मैं छोटी थी, मैंने एहसास फिल्म करी थी, बहुत छोटी थी मैं तभी। अली भाई कैसे हो? मैं टाइम्स के साथ तब से जुड़ी हूँ जब मैं घर से भाग के आई थी और स्ट्रगलर थी, और जब भी तो मुझे प्रवीण भाई ने एक फिल्म में काम दिया था जिसमें एहसास में, जिसमें सुनील शेट्टी जी थे, बहुत छोटी थी मैं, तो उसमें मैंने एक मेड का रोल किया था, मेड का, यू नो आई वन आई वॉज अ स्ट्रगलर, एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। तो आई विश के अभी 9 नहीं 10 फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, तो आई विश के इनकी 5 फिल्मों में तो मैं रहूँगी। टाइम फिल्म्स काफ़ी सारे फिल्म्स के साथ आ रही है, वो OTT प्लेटफॉर्म, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इवेंट के बारे में? टाइम ग्रुप के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं प्रवीण भाई को सालों से जानती हूँ,
अक्षय कुमार बोले या सुनील शेट्टी बोले, करिश्मा कपूर बोले या गोविंदा बोले, हर किसी के साथ वो सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं और ये इनका रीलॉन्च है, वो वापस दोबारा फिल्मों में ही इज वेंचरिंग आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम. ही वॉज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आई वॉज इन टच विद हिम. प्रवीण भाई को बहुत सालों से जानते हैं. यशु मैम, इनकी जो मॉम मूवीज आ रही हो डीडी प्लेटफॉर्म, कैन वी सी यू इन दैट मूवीज? या दिस वन आई डोंट नो अबाउट अब टाइम के बारे में बात करें. या या आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम. नो नो, आई डोंट नो अबाउट द मूवीज दे आर डूइंग, बट यस, आई हैव 5 रिलीजेस दिस ईयर विद एमएक्स प्लेयर एंड विद अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. एक मेरी धानव अभी 14th को रिलीज हो रही है, आरजीवी प्रेजेंट्स, इट्स एन आरजीवी प्रेजेंटेशन विद एमएक्स प्लेयर. उसके अलावा 2 फीचर फिल्म्स हैं. पैंडमिक के दौरान जो शूटिंग हुई थी, धीरे धीरे लॉकडाउन में शूटिंग बंद हुई थी, फिर लॉकडाउन जब खुला तो शूटिंग स्टार्ट हुई थी, वो सब अभी एक के बाद एक रिलीज़ हो रहे हैं. फॉर्चुनेटली आफ्टर द पैंडमिक द ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज डन सो मेनी थिंग्स, जिस तरह से ग्रोथ देख रहे हो, हाउ डू यू सी द एक्चुअली थिएटर्स बंद होने की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ये एक ही जरिया था, एक ही मीडियम थी था जो जिसके वजह से लोग एंटरटेन हुए एंड ग्रेट. उस पर कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग एंड इन एनी वे स्टे कॉन्टेंट इज किंग विच इज़ ग्रेट. और लोगों को बहुत काम मिल रहा है, जो पैशनेट एक्टर्स हैं उनको भी काम मिल रहा. कॉन्टेंट दैट इज़ प्रॉबेबली, ऑनेस्टली मैंने एक्सप्लोर तो मेरे करियर की शुरुआत में ही किया था. मैंने कुछ ऐसे रोल किए हैं जो एक्सपेरिमेंट ही आप कह सकते हो, जो आज लोग कर रहे हैं. मैंने शायद 20 साल पहले मैं कर चुकी थी. मैंने करियर की शुरुआत ये गाने से की थी, फिर एक हॉरर फिल्म में काम किया था, फिर नेगेटिव लीड किया था. शायद ही कोई हीरोइन ऐसे अपना करियर स्टार्ट करती है, और आई लव डूइंग दैट क्योंकि मेरे जो रोल्स हैं लोगों ने पसंद किए हैं, उसको सराहा है. मतलब कोई भी एक रोल हो, या उर्मिला मातोंडकर हो क्या भूले हमें, या वो भूत हो जो कृष्णा कॉटेज में थी, या एक विवाह में जो चांदनी थी, हर एक रोल लोगों को पसंद आया है. तो एक एक्टर और क्या चाहेगा कि एवरी रोल ऑफ हर्स और हिज इज़ एंडियरिंग एंड पीपल टेक दैट कैरेक्टर होम. तो वही हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. अब ओटीटी ऑफकोर्स हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत एक्टर्स के जो थिएटरिकल रिलीजेस थे वो ओटीटी पे रिलीज हो गए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. सो इट्स ग्रेट. आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ रिलीजेस एंड अ लॉट ऑफ ओटीटी वेब शोज. मोस्टली दे हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद माय फादर. So there's a bond and there's an emotional connect which we have from last I think 34-40 years, and I am now the part of that. So they will be having very good films ahead, and I'm looking forward to that and having fun and meeting everybody today. Okay, so as they are coming up with the 9 movies, 2 OTT platforms, so we are going to see you in any of the project. Ye to wo hi batayenge. Aapke upcoming project hai OTT? There are many films which are happening. I'm shooting for that also. So next year would be the lineup which will be coming. Okay, is there any Punjabi lineup, Punjabi song coming up? Not at all as of now. Okay, but so I will definitely, if there is something good in Punjabi, I'll definitely. Okay, so as we have seen you so many doing so many roles, so what is the one thing a role you would like to do in future? Something which is different and challenging. Maybe I have to play a character which I haven't. Maybe it is to do with a serial killer maybe. Yeah. I would love to explore that. Okay, so as Sonu ki hit E2 ki Sunday was a damn hit, so can we see the second part of that? Ye nahi main bata sakta, this I can't see. Pehle to main bahut bahut mubarakbad dena chahunga Praveen bhai aur unki puri team ko, kyunki maine pehle उनका वो रूप देखा हुआ जब उन्होंने कितनी एक साथ फिल्में बनाते थे. वो उनके गाने संगीत सबसे पॉपुलर होते थे और उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये रहती थी कि कुछ भी हो मेरा म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए. वो सब हमने देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया है. तो अब फिर से वो आज उनके बच्चे उनके साथ में उनके साथ होके वो वापस से अपनी कंपनी को वापस मार्केट में ला रहे हैं. ये मुझे इसकी बेहद खुशी है और टाइम्स और पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर आप क्या कहना? बहुत अच्छी बात है. मैंने इनकी पहले फिल्म में गाया भी था, बंधन चली फ्रॉम कुरुक्षेत्र. तो अभी काफ़ी महीनों से हम साथ में भी जुड़े हैं, काफ़ी क्रिएटिव मीटिंग्स भी हुई हैं. ये इस तरह से इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बढ़ती है जब पैशनेट लोग आते हैं. तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको कि वो ज़रा सा छोटा सा एक गैप आए और वापस वो उसी रंग रूप में उसी जोर शोर से आ रहे हैं. And wish them all the best. Praveen Shah is really a very fantastic person. Music ke shaukeen bhi hain. Viral unke bete.
एंड एंटायर उनके जो पार्टनर्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर रियली वेरी क्रिएटिव आई विल बी डेफिनेटली एसोसिएट विद देम फॉर एवर देखिए सबसे पहली बात यही है कि बच्चे पैदा हो जन्म होगा उसका उसके साथ जुड़ेंगे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम भी यही काम करते हैं पहले भी काम किया है जब भी मौका मिलेगा दोबारा करेंगे लेकिन जो प्रवीण भाई की जो पूरी फैमिली है जो फिल्मों से म्यूज़िक से जुड़ी हुई थी फिल्में भले बीच में नहीं हुई लेकिन म्यूज़िक से तो जुड़े हुए थे यही सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा फैमिली जो जिसकी जड़ें बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं वापस जोरों शोरों से आ रहे हैं मुझे लगता है यही बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है बहुत अच्छी बात सर कोई आपके गाने देख पाएंगे डेफिनेटली अरे कितने सारे गाने बनाए भी हैं इनके बगैर थोड़ा मार नहीं 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 बहुत उनके साथ 3-4 महीने से कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स हो रही हैं और एक पूरी टीम है हमारे साथ इसमें कई म्यूज़िक कंपोजर भी हैं सिंगर्स भी हैं राइटर्स भी हैं म्यूज़िक प्रोग्रामर्स भी हैं तो पूरी टीम है इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी शो सो मीटिंग्स में उन्होंने काफ़ी गानों को पसंद भी किया और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ग्रेसफुली कम बैक कर रहे हैं बल्कि एक छोटा सा जो गैप था उसको वो उसी तरह से रिमेन करेंगे जैसे पहले थे मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मुझे काम सौंपा गया है इसलिए कभी कभी नाम नहीं याद रहते कि हाँ फिल्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी थिएटर खुले हैं तो काफ़ी फिल्में अभी रिलीज़ होंगी और उसके अलावा म्यूज़िक वीडियोस भी इसमें देखने को मिलेंगे टाइम में टाइम ऑडियो में टाइम फिल्म्स टाइम वीडियोस में तो म्यूज़िक वीडियोस भी देखने को मिलेंगे आई एम हैप्पी टू बी एसोसिएट विद देम आई एम रियली वेरी हैप्पी थैंक यू